सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल देसी पिजन टिप्स एंड केयर में। तो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला कबूतर अंडों की कैंडलिंग के ऊपर। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता रहता है कि कैंडलिंग कैसे करें, कैसे पता करें कि कबूतर का अंडा ठीक है, ख़राब हो चुका है, या उसमें बच्चे बन रहे हैं या नहीं। तो इसी को लेके आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी कबूतर और पालतू जानवरों से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं। एक भाई का कमेंट और था कि भाई पूछ रहे थे कि अपना लॉफ्ट दिखा दो पूरा कैसा बना रखा। तो अब देख लो गैस, मैंने कैसे बना रखा पूरा। फ्रंट साइड से कुछ ऐसा दिखता है, ये गेट लगा रखा है मैंने। कुछ इतना बड़ा लॉफ्ट है हमारा दोनों साइड से। इसमें एक छोटा सा गेट भी लग रखा है यहाँ पे। अब जल्दी से चलते हैं लॉफ्ट में। बहुत सारे अंडे हो चुके हैं लॉफ्ट में, तो सबकी कैंडलिंग करके देखेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अंडा कितने दिन का है। तो जल्दी से इसको पीछे खींचते हैं और चेयर लगाते हैं और जल्दी से चलते हैं लॉफ्ट के ऊपर। आ चुके हैं गाइस लॉफ्ट में। जो भाई पूछ रहे थे कि आप अपना लॉफ्ट पूरा दिखाओ कैसा है, तो आप देख लो, इधर से कुछ तीन खाने लगे हुए हैं, तीन खाने यहाँ से लगे हुए हैं और तीन खाने यहाँ से लगे हुए हैं, ठीक है? इस साइड भी सेम है बिल्कुल, तीन खाने इधर से, तीन खाने इधर से, ठीक है? टोटल इसमें 30 खाने हैं। तो आराम से 30 कबूतर आराम से सिंगल सिंगल भी रह सकते हैं, और जोड़े वाले आराम से अगर मिला के चले तो 60 कबूतर आराम से इसमें रह सकते हैं। तो एक बच्चा यहाँ पे निकला हुआ है, फ्लैश लाइट में ऑन कर लेता हूँ जल्दी से अपना। इस बच्चे को निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये रहा गाइस ये एक बच्चा। इसके दो बच्चे थे, जो पुराने वाली वीडियो मैंने आपको दिखाया था। इसका एक भाई यहाँ पे गिर के मर गया था, तो ये सिंगल अकेले ही अब है। बहुत अच्छा ग्रोथ इनका हो रहा है, काफ़ी अच्छे से इनके माँ बाप इनको फीड करा रहे, काफ़ी बड़ा हो चुका है ये। तो इसको रख देते हैं इसके घर में और कैंडलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे 2 अंडे रखे हुए हैं, जल्दी से इसको निकालते हैं और देखते हैं इसका क्या प्रोग्रेस वगैरह है। काफ़ी दिनों से ये अंडा दिया हुआ है यहाँ पे। सो गाइस, इसी के अंदर मैंने एक और फ़ोन को रख के उसका टॉर्च ऑन कर लिया, तो इस फ़ोन का टॉर्च मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? और इसी हाथ से मैं आपको कैंडलिंग करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं गाइस, इधर से सेल खाली दिख रहा होगा एक साइड से, एक साइड से ये देखो, मतलब इसमें बच्चा पूरा बन चुका है। अंडा अंदर से बिल्कुल सूख गया और बच्चा रेडी हो चुका है। ये अंडा बिल्कुल सही है और ये लगभग 15-17 दिन का अंडा हो चुका है। 2 से 3 दिन में इसमें से बच्चे निकल जाएंगे। ये अंडा देखो गाइस, अब ये अंडा बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि दोनों साथ में दिया हुआ अंडा था। ये बिल्कुल जैसा था वैसा ही, एकदम बिल्कुल पीला दिख रहा है ना। तो ये अंडा मतलब बिल्कुल ख़राब है, अनफर्टाइल है। तो इसको कुछ करते नहीं अभी, पहले उसमें से बच्चा निकल जाने देते हैं और उसके बाद इसको हटा देंगे यहाँ से। तो एक तो चेक हो गया गाइस हमारा, अब जल्दी से और भी अंडे चेक करते हैं। तो टॉर्च को मैंने रख दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए गाइस, अब 4 अंडे हैं। अब देखते हैं क्या दोबारा से अंडे दिए हैं तो वो अच्छे हैं या पुराने वाले अंडे ख़राब हैं। तो गाइस ये पुराना वाला अंडा है, बिल्कुल ख़राब है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल अंदर से सड़ भी गया, ये पूरा रेड हो चुका है। अब और भी अंडे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये ताज़ा अंडा है गाइस, ये भी ख़राब नहीं हुआ क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा है। आपको और ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें नस भी दिख रहा है, देखो है ना गाइस, इसमें एक बच्चा देखो ये दिख रहा है, मतलब ये अंडा बिल्कुल ठीक है। इसको रखते हैं यहीं पे और आगे अंडे निकालते हैं और भी। एक अंडा ये है गाइस, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी नस बन रहे हैं, ये देखें आप, ये रहा बच्चा, बिल्कुल रेडी हो रहा है इसमें भी। ये भी अंडा बिल्कुल ठीक है, इसको वापस इसके जगह पे रखते हैं। और एक अंडा और है गाइस, वो पुराना वाला ही अंडा है, तो इसमें देखते हैं बच्चा है या नहीं। तो गाइस ये अंडा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ये आप ऐसे देखोगे तो इसमें देखो पूरा हिलता है ये अंडा बिल्कुल अंदर से, ये अंडा बिल्कुल ख़राब है।
तो मैं अभी इसके दो अंडे हटा दूंगा, ये दोनों अंडे अनफर्टाइल है, तो मैं जल्दी से इसको यहाँ से साइड कर देता हूँ, बाद में हटा दूंगा। ऊपर में गाइस तीन अंडे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो जल्दी से इसको भी चेक करके देखते हैं कि क्या इसमें क्या है। इसमें भी गाइस एक अंडा बहुत पुराना है, इसमें तो बच्चा बना हुआ गाइस, बट अब देखना है बच्चा इसमें है जिंदा या नहीं। नहीं गाइस, इसमें बच्चा बना तो था बिल्कुल, लेकिन वो इसके अंदर ही डेथ हो चुका है इसकी। दो अंडे और हैं गाइस, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से क्या है नहीं है। इसमें भी गाइस पूरा अंडा बिल्कुल रेडी है, इसमें बच्चा एकदम बिल्कुल ठीक है। इसको रखते हैं उसके जगह पे, निकालते हैं एक और एग है यहाँ पे। इसमें भी अंडा बिल्कुल ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इसमें भी बच्चा है। ये एक ठीक था गाइस, बट इसमें बेबी डेथ हो चुका है इसका। इसमें बिल्कुल डेथ हो चुका बच्चा, तो इसको भी साइड में रखते, इसको भी हटा दूंगा मैं अभी। तीन अंडे ख़राब है अपने, और इधर तो अब कोई है नहीं गाइस, यहाँ भी एक अंडा ख़राब है, बट उसको मैं अभी हटा नहीं रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा उसको मैं। और दो बच्चे यहाँ पे हैं, ग्रोथ आप देख लें इनकी, इधर कोई अंडा नहीं है। दो अंडे यहाँ पे हैं, तो इसका भी मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से। इस बार यहाँ पे रख दिया हूँ लाइट में, और यहाँ से अंडे निकालते हैं। ये बिल्कुल ताज़ा अंडा है गाइस, अभी ये अंडा अभी ताजा है बिल्कुल। अब दूसरा अंडा चेक करते हैं, अगर उसमें बच्चा बना होगा तो इसका मतलब वो अंडा खराब है। इसमें गाइस बच्चा बन रहा है, आप देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है एकदम, बच्चा बन रहा है इसमें। ये सारी नसें और ये बीच में जो ये दिख रहा है, ये बच्चा है, तो इसको आराम से रख देते हैं इसके जगह पे। ये रख दिया मैंने यहाँ पे दो अंडे। सो ये तीन अंडे ख़राब हो चुके अपने लॉफ्ट के, तो इसको यहाँ से साइड कर देता हूँ मैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे पास कुछ कबूतर के बच्चे और कुछ बड़े कबूतर के जोड़े भी बेचने के लिए हैं, तो जिनको भी चाहिए होगा, जो भी हमारे दरभंगा के आसपास में रहते हैं, तो उनको अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आके बता देना। अगर थोड़ी दूर का होगा या ज़्यादा दूर का तो नहीं हो पाएगा, बट थोड़ी दूर में अगर होगा 20 से 30 किलोमीटर के अंदर में, तो मैं खुद ही जाकर पहुंचा दूंगा अगर उनको चाहिए होगा तो। ठीक है, जिनको चाहिए होगा वो कमेंट ज़रूर करना।